अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं डॉक्टर अब्दुल अली खान। हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी। हमारे पास 24 आवर्स के लिए कार्डियक एम्बुलेंस है, जिसमें नया टेक्नोलॉजी के साथ मशीन सब उसमें लगी हुई है। मुमरा से लेकर डुम्बेवली तक के लोग हमारे हॉस्पिटल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारे पास अच्छे अच्छे रूम हैं, डिलक्स रूम है, स्वीट्स रूम है, हर तरह की फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में माशाल्लाह मौजूद है। मैं हूं अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए अच्छी खबर, अब एसटी बसों में यात्रा के दौरान किराए में मिलेगा 50% की छूट। महाराष्ट्र में MSERTC की 15,000 से अधिक एसी और नॉन एसी बसें चलती है, जिनमें प्रतिदिन 50 लाख से अधिक लोग सफर करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट 2023-24 में महिलाओं के लिए सभी प्रकार के एसटी बसों को टिकट किराए में 50% छूट की घोषणा की थी। इसके अनुसार बीते 17 मार्च से ही एसटी की सभी बसों में महिलाओं को टिकट किराए में 50% की छूट दी जा रही है। MSERTC में इस योजना को महिला सम्मान योजना के नाम से जाना जाएगा। इस योजना के तहत MSERTC को 50% किराए का हिस्सा महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य परिवहन की ओर से जारी एक प्रेस नोट के अनुसार यह रियायत महिला सम्मान योजना के तहत दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के गृह मंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 9 मार्च को आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य बजट पेश किया था। इस दौरान MSERTC की बसों में सभी महिला यात्रियों को 50% रियायत देने की घोषणा की थी। 50% आरक्षण मिळाल्यामुळे महिलांच्या तो म्हणजे आनंद आहे की डेली येऊन जाऊन करणारे ज्या महिला आहेत त्यांना 50% म्हणजे तिकीट सवलत मिळाल्यामुळे त्यांना म्हणजे असं म्हणजे खर्चाला पैसे जरा हातात राहतील। आजपासून राज्य शासनाने महिला योजने महिलांसाठी खास योजना म्हणजे 50% सवलत तिकीट दिलेली आहे, तर ती खूप चांगली गोष्ट आहे की महिला ह्या गावातल्या शहरात त्यांच्या कामासाठी येत असतात किंवा ते म्हणजे असं कुठेतरी काम करत असतात, तर त्यांच्यासाठी खरंच ही खूप चांगली गोष्ट आहे की त्यांना 50% का होईना पण सरकारने एवढी सवलत दिलेली आहे।